अस्पताल में डॉक्टरों के साथ नर्सों की भूमिका काफी अहम। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के अलावा सिलीगुड़ी में कई सरकारी और निजी अस्पताल हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस बहुत ही खूबसूरती से मनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी के प्रधाननगर क्षेत्र में स्थित निवेदिता नर्सिंग होम के कर्णधार सीपी शर्मा ने एक बयान में कहा कि नर्सिंग दिवस बहुत खूबसूरती से मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अस्पताल में डॉक्टरों के साथ नर्सों की भूमिका काफी अहम होती है। उन्होंने नर्सों को अस्पताल का पिलर बताया। अब एसेप्सिस क्या, एक पेशेंट दूसरा पेशेंट इन्फेक्शन कैसे प्रिवेंट करना है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बोलते हैं, किस किस में प्रिकॉशंस लेना है, तो ये सब दे हैव बीन वेल वर्स्ड नाउ। अ थर्ड अब नेगेटिव साइड के मेनी पेशेंट्स देर हॉस्टाइल्स एंड नर्सेज दे आर द मेन फॉरवर्ड वर्कर, सबसे आगे तो वही रहती है, तो उसमें भी थोड़ा रिस्क रहता ही है। सो एज ऑफ नाउ काफ़ी पहले से बदलाव काफ़ी आ गया है, रैदर देन फ्रॉम क्लिनिकल टू इमोशनल हेल्पिंग टू सोशली हेल्पिंग द पेशेंट्स एंड पेशेंट रिलेटिव्स, तो काफ़ी चेंजेस है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस की ओर से नारा दिया जा रहा है कि आवर नर्सेस आवर फ्यूचर, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो पहले भी दे आर द पास्ट ऑल्सो प्रेजेंट ऑल्सो फ्यूचर ऑल्सो, तो दिस मिस नो बट फ्यूचर नहीं बोल सकते, दे आर आवर प्रेजेंट। और नर्सेज नहीं है इंदिरा हॉस्पिटल में तो मैं 24 घंटा बैठ के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, पीजीआई में एक दिन नर्सेज का स्ट्राइक था, पीजीआई चंडीगढ़ जैसे जगह में, तो वो डिपार्टमेंट ने किया क्योंकि हम लोग तो मेडिकल ऑफिसर्स थे, वी हैड टू डू देयर ड्यूटीज, तो ओवर नाइट एक रात पर हमने ड्यूटी कर नहीं सके, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे टू रिक्वेस्ट टू विदड्रॉ द स्ट्राइक एंड दे टू कम बैक, क्योंकि इवन हम डॉक्टर्स उन लोगों को रिप्लेस नहीं कर सकते, दे आर बिकॉज टोटली पिलर ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। मेन बैकबोन तो नर्सेस ही है ना हॉस्पिटल, है ना? मेरा चौथा क्वेश्चन, चिकित्सा व्यवस्था में एक आदर्श नर्स की भूमिका क्या होती है? आदर्श नर्स तो आइडियल नर्सिंग स्टाफ मीन्स एग्जाम्पल ले लें फ्लोरेंस नाइटिंगल, वो क्या था कि नॉट ओनली पेशेंट्स का डिजीज मैनेज करती थी, तो एक एक लेडी विद लैम्प लैंटर्न लेके एक एक पेशेंट्स का दुख दर्द से लेके इमोशनल एस्पेक्ट जैसे रिलेटिव्स से बात करना, तो नॉट ओनली दे आर नॉलेजेबल, एक तो नॉलेज होता ही है, बट दे आर ह्यूमेन एटीट्यूड्स टुअर्ड द पेशेंट। डॉक्टर ट्रीट द डिजीज बट दे ट्रीट द पेशेंट, ये इंपॉर्टेंट था। हमने डिजीज ठीक है डायग्नोज बना दिया कि ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस दवाई शुरू कर दिया, बट एक एक बेड में जाके एक एक पेशेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, खाना खाए कि नहीं, यूरिन हुआ कि नहीं, स्टूल हुआ कि नहीं, अब खून कम तो नहीं है, ये सब प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, बीच बीच में उन लोगों को भी हो रहा है, अब उससे भी ड्रेनेज हो गया, एचआईवी हो गया, उसको भी दे हैव टू टेक केयर ऑफ दोज पेशेंट्स। तो डिजीज का आपको प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक टर्म है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बोल के, वो हर नर्सिंग स्टाफ को हम सिखाते हैं। सो दे नो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस मीन्स यू कंसीडर ईच एंड एवरीबॉडी एज इन्फेक्टिव पेशेंट्स। आप भी मैं भर्ती करते एडमिट करते भगवान नगर ना हो तो ऑल नर्सिंग स्टाफ विल इनिशियली ट्रीट यू एज इन्फेक्टिव पेशेंट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं उसको एवरी सभी को, तो एक हो गया। सेकेंड होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड में आप बंडल्स बोलते हैं, बंडल केयर, ठीक है, वो पेशेंट्स के लिए भी अच्छा था डॉक्टर्स के लिए भी अच्छा। जैसे आपको एरोप्लेन में कभी ट्रैवल करती है तो पायलट क्या बोलता है, आपको ये दरवाज़ा बंद करो और रिपोर्टिंग करो, दे विल क्लोज द डोर एंड रिपोर्ट दैट इज डोर इज क्लोज, तो यू नॉट लीव इट कि आपको क्लोज कर दिया होगा। तो नर्सिंग स्टाफ का भी यही है, मेटिकुलस करने के लिए आपको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हो गया, ठीक है, तो खुद के प्रोटेक्शन के लिए हैंड हाइजीन हो गया, पेशेंट के प्रोटेक्शन के लिए। अब उससे इम्पोर्टेंट था, अब एक पेशेंट इन्फेक्टेड है उसके पास साइड में एक पेशेंट हार्ट फेलियर एडमिट है, तो इन्फेक्टेड पेशेंट से हार्ट फेलियर में आपको क्या बोलते हैं इन्फेक्शन शिफ्ट होने का डर रहता है, तो टू प्रिवेंट दैट दे टेक दैट हैंड हाइजीन एंड प्रिकॉशंस। इस साल आप लोग इंटरनेशनल नर्सिंग डे किस तरह से मनाएंगे? मैन रहता है वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट्स कि यू आर द वन वो आर द पिलर ऑफ द आवर सेंटर्स, इसलिए टॉप फ्लोर में अपना एक तो क्या बोलते हैं बेस्ट नर्सिंग स्टाफ ऑफ द ईयर हो गया, आपको
बेस्ट आपको ओवरऑल ऑलराउंडर नर्सिंग ऑफ द ईयर उन लोगों को प्राइज देते हैं, मोमेंटो देते हैं, सिंपल एक 5 सेकेंड ऑफ दिल शो द टैलेंट्स आपको, ठीक है, कोई डांस में एक्सपर्ट है, कोई गाने में एक्सपर्ट है नॉन नर्सिंग एरियाज में, तो वो उनका टैलेंट्स हम देख लेते हैं, बस वी हैव अ स्मॉल गेट टुगेदर, ये हम लोग टॉप फ्लोर में होता है।